छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में इतनी बलात्कार की घटनाएं होंगी, ये कल्पना देश के किसी भी राज्य में नहीं होगा। और ये लुटेरे जो तीन जमा हुए हैं, महाराष्ट्र के खजाने जो भरे थे नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने, उस भरे हुए खजाने को देख करके ये लालची सियार जो इसको नोचने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन इस राज्य में जितना बलात्कार और हत्याएं हुई है उतना देश के किसी राज्य में नहीं है। तो ऐसे विरोधक जो बौखलाहट में जो उनके जो स्टेटमेंट दे रहे उसे ज़्यादा महत्व देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सरकार और हमारे मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छे से और प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, इस बारे में पूरे महाराष्ट्र की जनता को कोई संदेह नहीं है। बीते दिनों महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा समेत कई बड़े पदाधिकारियों ने आक्रोश जताते हुए वसई तहसील कार्यालय के बाहर काले झंडे लेकर आक्रोश जताया था, जिसकी खबर हमने बीते दिनों दिखाई थी। इस पर तमाम पदाधिकारियों ने अपनी व्यथा प्रकट की थी। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के मंडल पदाधिकारी ने सीधे सीधे ये कह दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में बलात्कार की इतनी घटना हो रही है, इसकी कल्पना देश के किसी राज्य में नहीं हुई होगी, और सबसे ज्यादा घटना महाराष्ट्र में हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे लोमड़ी बताया और कह दिया कि मोदी जी ने जो इस देश में खजाने को भरा है, इससे तीन लोगों की सरकार लूटने का प्रयास कर रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में इतनी बलात्कार की घटनाएं होंगी, ये कल्पना देश के किसी भी राज्य में नहीं होगा, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि एक हाथरस की घटना घटी है, बाकी राज्य शांत है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन इस राज्य में जितना बलात्कार और हत्याएं हुई है उतना देश के किसी राज्य में नहीं है। पुलिस के सामने इसी पालघर जिले में दो साधु संतों को जो नासिक से आए थे, पुलिस के सामने हजार की भीड़ ने उनको मार डाला। इसमें कोरोना का काल है, जहां कोरोना मरीज में कोई सटना नहीं चाहता है, वैसे कोरोना ग्रसित बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं इस महाराष्ट्र में हुई, देश में कहीं नहीं हुई। और ये लुटेरे जो तीन जमा हुए हैं महाराष्ट्र के खजाने जो भरे थे नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने, उस भरे हुए खजाने को देख करके ये लालची सियार जो इसको नोचने के लिए जमा हुए हैं, और जिनको कुछ भी नहीं दिख रहा है कि महाराष्ट्र में न रोड सही है न बिजली सही है, इतनी सियार में बोल रहा हूँ जो तीन लोगों की सरकार है, मैं उनको सियार के रूप में, सियार का मतलब हुआ कि हाँ, सियार का मतलब यही होता है कि जो शेर जमा करता है पूंजी अपने खाने के लिए, उसे सभी आकर के लूट के छीन करके जो भाग जाते हैं, उस ढंग से जो है वो यहाँ भी हुई है। महाराष्ट्र को जो है वो अच्छे से सजाया गया था, महाराष्ट्र को बढ़िया बनाया गया था, यहाँ कानून की व्यवस्था अच्छी थी, सुदृढ़ थी, आज इस हालत में महाराष्ट्र पहुँच गई है कि कोरोना ग्रसित बहनों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। हम सारी महिलाओं को लेकर के आज वसई तहसीलदार कार्यालय में इसीलिए जमा हुए हैं कि फिर ये दोबारा घटना नहीं हो और यहाँ एक बहुत ही कड़ा कानून जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया जाए, आज हम इसी के लिए इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वाक्य पर शिवसेना के जिला प्रमुख वसंत चौहान ने उत्तर देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, विरोधी पक्ष बौखला गया है और बौखलाहट में ऐसे कुछ विधान वो कर रहा है, उनके कुछ कहने से मुख्यमंत्री जी आज पूरे भारत के जो सर्वे हुआ है, जो निष्पक्ष सर्वे हुआ है, उसमें आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के उद्धव जी ठाकरे साहब ये एक नंबर पर आए हैं, जिन्होंने प्रशासन और अपना जो महाराष्ट्र की व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था और संरक्षण व्यवस्था वो सब संभाली है, इसके लिए उनका एक नंबर पे स्थान पूरे भारत में आया है। तो ऐसे विरोधक जो बौखलाहट में जो उनके जो स्टेटमेंट दे रहे उसे ज़्यादा महत्व देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सरकार और हमारे मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छे से और प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, इस बारे में पूरे महाराष्ट्र की जनता को कोई संदेह नहीं है।